पोजीशन है। ओके, और आखिर में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, जहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण निवेश होता है और हमें लगता है कि हमारा जो रिटायरमेंट है खासतौर से इस पर काफी हद तक निर्भर करता है। देखिए कविता ऐसा है कि मेरी राय में आपको आपके रहने के लिए घर और काम के लिए ऑफिस, इसके अलावा आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये लार्ज वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी वगैरह भी नहीं है। और जहां तक रिटायरमेंट की बात करती है, आपके पास जो रहने का घर है, आप उस पर 60 साल की उम्र के बाद में रिवर्स मॉर्गेज